खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नाम घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने खैरागढ़ से यशोदा वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। 12 अप्रैल को खैरागढ़ उपचुनाव होगा, 16 अप्रैल को उपचुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा का नाम सामने आ गया है। 12 अप्रैल को खैरागढ़ में उपचुनाव होना है, 16 अप्रैल को नतीजा आएगा खैरागढ़ उपचुनाव का। यशोदा वर्मा को प्रत्याशी खैरागढ़ से बनाया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए यशोदा वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बारह अप्रैल को खैरागढ़ उपचुनाव होना है और इसके बाद 16 अप्रैल को उपचुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है यशोदा वर्मा के नाम का खैरागढ़ उपचुनाव के लिए। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। यशोदा वर्मा होंगी खैरागढ़ से कांग्रेस की प्रत्याशी। 12 अप्रैल को ये चुनाव होगा और 16 अप्रैल को इस उपचुनाव का परिणाम सामने आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खैरागढ़ में यशोदा वर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव के लिए। कांग्रेस ने यशोदा वर्मा के नाम का ऐलान कर दिया है। बारह अप्रैल को खैरागढ़ का उपचुनाव होना है और 16 अप्रैल को खैरागढ़ चुनाव का परिणाम सामने आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।